अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहि सलाम ने हजरत याकूब अलैहि सलाम को सब तो ज्यादा प्यार है क्योंकि सोना भी है लाडला भी है छोटा भी है ते मां भी कोई नहीं याकूब अलैहि सलाम हजरत यूसुफ अल ज्यादा बाएं ते बिन्यामीन अल ज्यादा प्यार कर दे हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे भाई इस गल ते आप को हसद कर देने इकट्ठिया बह के मीटिंगा कर देने कि असी वड्डे भी हाँ अपने बाप की खिदमत भी ज्यादा कर सकने हैं कमा के भी दे सकने हैं वो है भी छोटा काम भी नहीं कर सकता बाप की खिदमत भी अजे नहीं कर सकता तो बाप फिर भी यूसुफ ने ज्यादा प्यार करता है भाइयों के दिल च हजरत यूसुफ अलैहि सलाम का हसद पैदा हो गया अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया जिस वेले हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की उम्र 7 साल हुई आपने एक ख्वाब देखा और बाद मुफस्सरीन फरमाते हैं एक ख्वाब आपने 7 साल की उम्र च देखा तो एक ख्वाब 10 साल की उम्र च देखा जिहड़ा ख्वाब आपने 10 साल की उम्र च देखा उहदे विच आपने की देखा इहदा रंग अल्लाह दे कुरान ने पेश फरमाया अल्लाह ने इरशाद फरमाया कौल यूसुफ लिया भी है अबती इन्नी रईतु अहदा शरकौ कबौ वश्शम्स वल कमर रईतु ली साजिदी एक दिन अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम अपने आपा दी जे कोल बैठ गए अर्ज की थी बाबा मैं एक ख्वाब वेख्या फरमाया बेटा केड़ा ख्वाब अर्ज की थी बाबा मैं ख्वाब दे अंदर वेख्या है एक चन्न एक सूरज कि अरा सितारे ने मैनू सजदा पे कर देने अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम ने जेड़े वेले ख्वाब सुनाया याकूब अलैहि सलाम अल्लाह दे नबी ने ख्वाब सुन के नाले तबीर भी समझ गए नाले आउन वाले 40 साल अल्लाह दे नबी याकूब दी अखां दे सामने आ गए आपने फरमाया बेटा यूसुफ अलैहि सलाम अपना ख्वाब किधरे अपने वीरां नूं ना सुना देवी मत किधरे तेरे खिलाफ साजिशां कर लैन मत किधरे तेनूं नुकसान दे देन इधर यूसुफ अलैहि सलाम अपने बाप नूं पे ख्वाब सुना देने उधर जिहड़ी आप दी मत रही ते सुतेली मां है जिहड़ी शमून दी मां है उहने दीवार नाल लग के आप दी ते अपने बाप दी आप दे बाप दी इहदी सारी गुफ्तगू नूं सुन लिया जाके सारे पुत्रां नूं इकट्ठिया कर लिया ते 11 नूं कहण लगी अज यूसुफ अपने बाप नूं इक ख्वाब पिया सुना दा है एक चन्न एक सूरज ते 11 सितारे मैनूं सजदा पे कर देने वीरां ने आखिया ए अगे बाप दीआं अखां दा बड़ा लड़ला है झूठियां ख्वाबां सुना के अपनी इज्जत अपने बाप दीआं नजरां विच पिया वधांदा है तिन्हां भाइयां ने मिलके साथ शुरू कर दित्ती उधर हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम दी भैण जिहदा नाम ज़ैनब है दुपहर वेले सौं गई ख्वाब पे वेखदी है कि मेरा सोना वीर यूसुफ अलैहि सलाम है ओनू 11 भेड़िए हमला कर देने मेरे यूसुफ नू 11 भेड़िए पे खा देने भैण डर के उठ गई बाबे ते कोल बैठ गई ए भी कहन लगी बाबा एक ख्वाब मैं भी वेख्या है मेरे यूसुफ नू 11 भेड़िया ने हमला कर दिता है अल्लाह दे नबी याकूब अलैहि सलाम सारा पे समझ देने अज लोग कहंदे ने जिहड़े वेले शमूल दी मां ने दीवार दे पिछे लग के सारी गल बात सुन लई अल्लाह दे नबी याकूब नू दीवार दे पिछे दा पता ना लग्या कि बीवी गल्लां पई सुनदी है रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना दीवार दे इक पासे रह गई दीवार दे पिछे दा ते पता ही पता है नबी नू 40 साल बाद आउण वालियां गल्लां वी सामने नजर पईआं आउंदियां मत कोई आखे के दीवार दे पीछे दा नबी नू पता नहीं 40 साल दे सामने वाकयात याकूब दीआं अखां दे आ गए थोड़ा होर उच्चा बोलो सुभान अल्लाह गिरामी कदर हजरात कुरान मजीद ने दसिया ए भाई कहन लगे कि होवे ना ते असी यूसुफ नू कतल कर देंगे कतल दी साजिश हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी वीर पे कर देंगे कह लगे यूसुफ नू कतल कर देने
ना यूसुफ होवेगा ना बाप हर वेले यूसुफ वाल वेखेगा। बाप दी तवज्जो हासिल करने वास्ते भाइयां ने अपने भाई दा कतल करन दा मनसूबा बना लिया। एक दिन दोपहर दा वेला ते हजरत याकूब अलैहि सलाम दी बारगाह च 11 पुत्र आ गए। आके कहन लगे बाबा असी अज शिकार करन जा रहे हां, ते होवे ना ते यूसुफ नु भी साडे नाल भेजो। अल्लाह दे नबी याकूब अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैनूं इंज लगदा है कि तुसा अपने शिकार वाले काम लगे रहना है, मेरा यूसुफ कल्ला रह जाएगा तो उन्हें किधर कोई बगयाड़ ना खा जाए, कोई बेड़िया ना खा जाए। भाई कहन लगे कि बाबा तुहाडा पुत्र है ते साडा भी वीर है, असीं यूसुफ दा बड़ा ख्याल रखांगे। पर याकूब अलैहि सलाम नूं ते सारे वाकियात पे नजर आउंदे सन अल्लाह दे नबी सन। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे वीरां ने अर्ज कीती बाबा तुसीं यूसुफ नूं साडे नाल भेज दिओ। अल्लाह दे नबी याकूब अलैहि सलाम ने इजाजत अता फरमाई। नौजवान जड़े वेले काफिले दे टुरन दा वेला आया, शिकार करन पाई जा रहे ने। यूसुफ अलैहि सलाम नु अल्लाह दे नबी याकूब ने अपने बाप ने सजाया, पुत्र नु गुसल करा के अपने पुत्र दियां कज सुलमा लगाया, तेल बालां च लगा के कंघी कर लई। यूसुफ अलैहि सलाम नु सजाओ के जड़े वेले टुरन लगे, इधर भाई भी टुरदे ने, यूसुफ अलैहि सलाम भी टुरन लगे, अल्लाह दे नबी याकूब रुखसार चुम देने रो के परमा देने लो यार ए हवाले आए रबे दे याकूब अले सलाम दे सामने वीर नाल प्यार पे कर देने। अल्लाह दे नबी याकूब अले सलाम दरवाजे च खड़े रहे, जिथे तक यूसुफ नजरी आउंदा रहा बाप अपने पुत्र नूं खलो के वेख दे रहे। जदू नजर तुयो चलियो गए, जड़े वेले वीरां भी मुड़ के वेख्या उन्हां बाप नजरी नहीं आ रहा। यूसुफ अले सलाम नूं मोढ़ियां ते चुक के जमीन ते मार रहा, इक ने थप्पड़ मारिया। हजरत यूसुफ अले सलाम वीरां दे थप्पड़ वेख के हैरान रह गए। थोड़ी देर पहले मेरे वीर मोढ़ियां ते चुकते रहे ने, हुण मैनूं थप्पड़ पे मार देने। नौजवानों को ठुड्डा मार दे, कोई वीर जबेड़ा पिया मार दे, कोई मुके मार दे। अल्लाह दे नबी यूसुफ अले सलाम दा बचपन सारी उम्र बाप दी गोदी च गुजारी है, कदी औखे वेले वेखे नहीं। नौजवान मुसीबतां दे वेले आ गए, इम्तिहानां दे वेले आ गए, जिहड़े वेले कबीर ने थप्पड़ मारिया, यूसुफ अले सलाम कदे कबीर दे कोल जांदे ने, उहनूं कहिंदे ने वीरा मैनूं क्यों मारदे हो।
ਉਹ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਯਹੂਦਾ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਰਿਆ ਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਜਾਣੇ ਆ ਇਹ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਨਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਲਈ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੂਹੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਖੂਹੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਅੰਧੇਰੇ ਖੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਜਬਰੀਲ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਖੂਹੇ 'ਚ ਪਿਆ ਡਿੱਗਦਾ ਆਈ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਲਾਹ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਜਲਦੀ ਜਾ ਖੂਹੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਯੂਸਫ ਆ ਗਿਆ ਏ ਜਾ ਕੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਪਰ ਵਿਛਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਯੂਸਫ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਗਿੱਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁਨਤਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਜਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਰ ਮਰਤਬਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਉੱਡਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚਾਰ ਮਰਤਬਾ ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਅੱਗ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਦੌੜ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੌਲਾ ਬੋਲੋ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਬਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਮਰੂਦ ਨੇ ਅੱਗ 'ਚ ਤੇ ਚੀਖਾ 'ਚ ਸਟਿਆ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਜਬਰੀਲ ਦੌੜ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਤਖਤ ਵਿਛਾ ਦੇ ਜਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਦਰਤ ਉੜਿਆ ਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਤਖਤ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਖਤ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਖੂਹ 'ਚ ਸੱਟਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਦਰਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਬਰੀਲ ਦੌੜ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਖੂਹ 'ਚ ਪਿਆ ਡਿੱਗਦਾ ਜਬਰੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਸਿਦਰਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਥੱਲੇ ਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਿਨਾਨ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਬਰੀਲ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁਨਤਹਾ ਤੇ ਸੱਤ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਜਬਰੀਲ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਦੀਨੇ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਜਬਰੀਲ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆ ਮਦੀਨੇ ਉਹ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਖੂਹੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਜਬਰੀਲ ਦੇ ਪਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਸ ਖੂਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਸੱਪ ਜਿਤਨੇ ਦਰਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮੂਜ਼ੀ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਜਦੋਂ ਖੂਹੇ 'ਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਖੂਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇੰਜ ਪਿਆ ਚਮਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਦਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਪਿਆ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਹੇ 'ਚ ਯੂਸਫ ਆ ਗਏ ਔਰ ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਖੂਹ 'ਚ ਗਏ
اتنے دن اتنے دن اتنے دن اللہ دی رحمت دے فرشتے اس خود طواف کرن اوندے رہے ادھر ویرا نے جدو حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں چ سٹیا گرامی قدر حضرات حضرت ہود علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک عبادت گزار سی مستجاب الدعوات جدی ہر دعا نو رب قبول کردا ہے ہود علیہ السلام دے دور چ حضرت یوسف دے حسن دے ذکر سنے نا انہیں عرض کی تھی یا اللہ میں نونی دیر تک موت نہ دیوی جب تک میں تیرے نبی یوسف دی زیارت نہ کر لوا اللہ کریم نے فرمایا جو یوسف نو ویکھنا ہے کہ انج کر او کنعان دے اندر ایک کھو ہے جڑا شداد بن عاد نے بنایا ہے اس کھو دے اندر جا کے بیٹھ جا میں تینو یوسف ویکھا دیواں گا اینو کئی سو سال گزر گئے آ کے اے بندہ کھو چ رب دی عبادت کردا رہیا جدو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے پیراں نے کھوے چ سڑ کے رسی نو کٹیا یوسف علیہ السلام کھوے دے اندر آئے جبریل دے پردے بیٹھ گئے کھوے دے اندر جڑ والے چانن لگ گیا او بندہ عبادت کردا کردا اٹھ گیا کہ یوسف دے سامنے کھو چ بہ گیا تے نبی اللہ حیران رہ گئے اس اندھیرے کھوے دے اندر بندہ کتھوں آ گیا ہے ہاتھ جوڑ کے کہن لگا نبی اللہ پریشان نہ ہوویں تیرے تے مصیبت کوئی نہیں آئی اے تے میریاں ہزاراں سالاں دا صلہ اے میریاں ہزاراں سالاں دیاں عبادتاں دا اجر اے کہن لگا نبی اللہ تو کھوے جے میں نہیں آیا رب نے مینوں تیری دید کرن لئی میرے واسطے بھیجیا گیا میں ہزاراں سال گزر کے تیری زیارت لیے تھے بیٹھا ہوں گرامی قدر حضرات یوسف خو دے اندر آئے اوتھے بھی عاشق یوسف علیہ السلام دا زیارت کرن لئی پہلے تیار بیٹھا ہے جڑا اڈیاں چک چک یوسف دیاں کئی سینکڑے سال گزر گئے نے زیارت واسطے اڈیاں چک چک کے اڈیکا کیتی بیٹھا ہے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام جڑے ویلے کھوے دے اندر آ کے کھوے چ چانن لگ گیا بچپن دی عمر اے کدے دکھ ویکھے نہیں پریشانی ویکھی نہیں اج یوسف علیہ السلام حیران نے میرے نال کی پی بن دی ہے ادھر بھی حضرت یوسف نو کھوج سڑ کے پروگرام پہ بنا دینے کہ باپ نے پوچھ لیا یوسف کتھے وے کیڑا جواب دے مانگ یوسف علیہ السلام دی کمیز نو پکڑیا ایک پکڑی دی بات کر کے او دا خون آپ دی کمیز نو لگایا کہ باپ نو جا کے آکھاں کہ یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے یوسف نو بگیاڑ کھا گیا ہے اللہ نے فرمایا جڑ ویلے عشاء دا ویلا شام دا ویلا آیا یوسف دے ویر روندیا کریا گئے یعقوب علیہ السلام نے پتراں نو روندیا ویکھیا اللہ دے نبی صبح تو لے کے شام تک اپنے یوسف دیاں اڈیکاں کردے رہے جڑ ویلے پتراں نو روندیا اوندیا ویکھیا آپ دا دل پجدا اے جلدی نہ دوڑ کے دروازے دے اندر آئے پوچھدے نے پترو کیوں پہ روندے ہو سارے نظری آئے وچ یوسف نظر نہ آیا آپ فرما دینے میرا یوسف کتھے بے بیر روندے نے نالے کمیز دکھا کے کہن لگے ابا جی یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے اسی شکار کر دے رہے او ساڑے سمادیاں حفاظ نہ پیا کر دا سی اسی آیا یوسف نو بیڑیا کھا گیا ہے اللہ دے نبی نے پوچھیا او دی دلیل کی ہے کدھرے میرے نہ جھوٹ دے نہیں بول دے انہوں نے کمیز دکھا کے آخیا ہے ابا آپ ویکھ لو یوسف دی کمیز نو خون لگیا ہے اللہ دے نبی یعقوب علیہ السلام نے یوسف دی کمیز نو اکھیاں تے لایا پتر دی جدائی وچ چیخاں نکل گئیاں لاڈلا پتر ٹر گیا ہے روندیاں روندیاں اللہ دے نبی مسکراون لگے پئے پتراں نے پوچھیا ابا جی روندیاں ہسے کیوں آپ نے کمیز نو کھول کے فرمایا بڑا سیانہ بگیاڑ ہے کمیز دے وچ یوسف سارا ہی کھا گیا ہے کمیز پھاڑی کوئی نہیں آپ فرمان لگے کمیز پیدا سدی ہے میرا یوسف بچ گیا ہے
बच गया है जदू बंदा भी गुनाह करके कबर च जांदा है गुनाह वे के फरिश्ते कहंदे ने मर गया तो दोज़ख च जाएगा जदू फरिश्ते अंदर जाके दिल विच नबी दी मुहब्बत वेखदे ने ते कहंदे ने गुनाह वेखिए मर गया है नबी दा प्यार वेखिए बच गया कमीज लेके आए वीर अखन लगे बाबा जी आ देख लो कमीज सारी खून आलूद सूफिया फरमा दे कि ओ जड़ा बकरी दा खून सी ना ओदे विच आवाज आई नबी अल्लाह झूठ पे बोल दे ने ए खून नबी दा नहीं है बकरी दा है अल्लाह दे नबी यकूब अलैहि सलाम रोंदे भी ने ते हसदे भी ने ते फरमांदे ने जरा उस भेड़िए नु बग्याड़ नु बुला के ते लियाओ उन्हों मैं पूछा मेरे यूसुफ ने तेरा की बिगाड़िया सी हुण वीर दौड़े तो उस बग्याड़ नु किसी नु पकड़ के लाए ते लिया के कहन लगे अब्बा जी इन्हें यूसुफ नु खाता यकूब अलैहि सलाम बग्याड़ वल वेख के फरमान लगे तू मेरा यूसुफ खा गया तेनु तरस नहीं आया भेड़िया कहन लगा नबी अल्लाह जानवरां ते नबियां दा जिस्म खाना उंजी हराम है तुसीं इहदो हौला भी बोलो ते गुजारा मेरा फिर भी हो जांदा है ऐ नबी अल्लाह सा जानवरां ते जंगल दे दरिंदियां ते नबियां दे जिस्म खाने हराम ने सोणिया जानवरां नबी दा गुस्ताख ते नहीं है जानवरां नबी दा गुस्ताख पता लग गया जेड़ा नबी दा गुस्ताख होवे उहदे नालों तां बग्याड़ ते जानवर चंगा उहदे नाल बग्याड़ ते जानवर चंगा जेड़ा नबी दा गुस्ताख होवे उहने आख्या सोणिया बग्याड़ां जानवरां नबी दा गुस्ताख नहीं इसे बात आ जी बोल के कहंदा अदब नबी थी मोमिन होवे अदब सदाओं ने कमीने बाद अदब दे बख्शिश नहीं पावे मरिए विच मदीने ए बाद अदब दे बख्शिश नहीं पावे मरिए बेच मदीने नौ जबान अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम कुवे दे अंदर आराम कर रहे अल्लाह करीम ने कुवे नु गुल गुलजार बना दिता जेड़े वेले तीन दिन अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम कुवे दे अंदर रहे रोज भाई पैरा दे नौ देने किधरे यूसुफ बाहर ना निकल जाए किधरे बाप दे सामने ना आ जाए असी अपने बाप दे सामने शर्मिंदा ना हो जाइए नौजवान एक दिन काफला पिया गुजरदा है काफले वाले इस खूह तो पानी लैन आए उन्हें जेड़े वेले दो बंदिया ने डोल लटकाया अल्लाह दे नबी यूसुफ खूह च डोल वेख के घबरा गए किधरे मेरे वीरां ने डोल ना सुटिया होवे किधरे मैनू बाहर कढ़ के कतल ना कर दे अचानक जिबरील अमीन आ गए अर्ज कीती नबी अल्लाह मौत तू डरना इस डोल च बह जा असा तेनू मिस्र दा बादशाह बनाउणा अल्लाह दे नबी यूसुफ जिहड़े वेले खूह च बैठे ओ पानी कढ़न वाले हैरान ने खूह एडा पानी एडा वजनी ते नहीं होंदा इन्हां दो बंदिआं ने जोर लगा के जदों खूह चो डोल बाहर कढ़िया ना वेख के हैरान रह गए एडा सोहना ना किसे अख ने वेख्या ते ना किसे कान ने कदे सुनिया एडा सोहना आरबे कड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने सूरज वांग
सूरज वांग नूरानी मथा नदर ना कीती जावे जे पत्थर दिल आए वाला तके ते अखी दिल वाला तके ते अखी पानी आवे इना दो पानी कटन वाले ने जड़े वेले यूसुफ दा हुसन वेख्या चीखा मार के रोन लग पे कह लगे काफले वाले दौड़िया जे आगे वेखो खूह चुकी निकलिया है नौजवानों जड़े वेले काफले वाले ने वेख्या एडा सोना बच्चा सामने में नौजवानों जिदे चेहरे दियां लाटां दीवारां ते पैंदियां ने काफले वालिया ने यूसुफ अली सलाम नू अपना गुलाम बना लिया इधर पाई दौड़े दौड़े आए कह लगे इस यूसुफ दे इस खूह दे अंदर साडा इक पकौड़ा गुलाम दौड़ के आ गया है यूसुफ अले सलाम नू वेख के कहन लगे साडा गुलाम नाले अपनी पुरानी जबान च यूसुफ नू वीर कहन लगे ए ना आखी ना इना दा वीरा चुप करके खलोता रह नहीं ते मार देवांगे अल्लाह दे नबी यूसुफ चुप करके खड़े ने वीर कहन लगे साडा गुलाम है असा इनू बेचना है काफले गाले कहन लगे साडे कोल ते खोटे सिक्के ने वीरां ने यूसुफ नू बेचना सी कहन लगे खोटे सिक्के दे जाओ इनू जाके किधरे दूर बेच आजे किधरे इस मुल्क च दोबारा ना आ जाए नौजवान सूफिया फरमांदे ने वेखिया क्यों एक दिन अल्लाह दे नबी यूसुफ अले सलाम ने अपना हुसन आईने दे अंदर वेखिया ते आप नू ख्याल आया मैं एडा सोना वा कदे विका ते बड़ा महंगा विका कुदरत दी आवाज आई यूसुफ अले सलाम अपने हुसन ते नाद ना करी ना बड़िया कुदरत वाला वा वे यूसुफ वर्गे सोने नवी खोटिया सिक्कियां ते वेच देना यूसुफ वर्गे सोने नु खोटिया सिक्कियां ते वका देने यूसुफ अले सलाम नु भी खोटे सिक्कियां ते वीरां ने वेच दिता तवज्जो है जी खोटे भी सिक्के वीरां ने ले ले ते यूसुफ नु वेच दिता वीरा दे सामने काफले वाले ने हजरत यूसुफ दे पैर बन ले पैर क्यों बंदे वीरा आख्या सी ए दौड़ जांदा ए दौड़ जांदा ते झूठ भी बोलदा ते चोरियां भी करदा वीरा ने वीर ते इल्जाम भी लगाए काफले वाले ने वीरा दे सामने यूसुफ अलैहि सलाम दे पैरां नू रस्सियां ते नाल बंद दित्ता हाथ भी बांध दिते जड़े वेले काफले वाले टुर लगे ते वीर इधर टुर पे ते काफले वाले इधर टुर पे यूसुफ अले सलाम रो के कहन लगे काफले वाले हो सरा जांदी वारी मैनू वीरां नू मिल लैन दे आ जे ओ काफले दा सरदार जिने यूसुफ अले सलाम नू खरीदया ओदा नाम मालिक इब्ने अदगर है उन्हें आख्या जा इन्हां नू मिल लै उन्हां दे तेनू झूठा भी आख्या पगौड़ा भी आख्या कहन लगा जा जांदी वारी अपने मालिका नू मिल लै यूसुफ अले सलाम वीरां दे पिछे दौड़े पैरां विच रस्सियां बदियां ने दौड़िया ना जावे आबादा मारदे ने वीरो जांदी वारी मिल जाओ मेरे बाबे नू मेरा सलाम आखिया दे वीरो मेरे बाबा नू कदे कम ना दिया दे मेरे अबे यकू नू मेरा सलाम आखिया दे मियां साहब ने फरमाया फरमांदे ने वीर वीरां दे ते बैरी होते ते धीर वीरां दियां बावां वापसी
मुहम्मद ते मावां ठंडियां छावां। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम वीरां दे पिछे पे दौड़दे, वीर वीरां दे वैरी हुंदे ते वीर वीरां दियां बावां। फिर सब किबला तारीख कायनात गवाह है, मौलाना सब किबला खूह च भरा नूं सुट्टन वाले भी भरा ही सन, ते करबला विच हुसैन वर्गे वीर तो बाजू कटान वाले अब्बास वर्गा भी भरा ही सी। वीर वीरां दे वैरी हुंदे वीर वीरां दियां बावां, किथे भरा यूसुफ वर्गे वीर नूं खूह च पे सट दे ने, किथे करबला दे मैदान च अब्बास वर्गे वीर अपने हुसैन वर्गे वीर तो अपने बाजू पे कलम करांदे ने। गिरामी कदर हजरात, अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं वीर नूं वेच के जदों पराग कार वल टुरे ना, इधर काफले वाले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं लेके जा रहे, काफले वाले ने एक बंदा हजरत यूसुफ दी राखी ते रखवाली ते बिठा दिता कि गुलाम दौड़ जांदा है। नौजवान सारे काफले वाले रात नूं सो गए ते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम काफले च वेख्या ते आप दा गुजर उस जगह तो होया ते मां दी कबर नजर आई, मां दी कबर नजर आई। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम अपने आप नूं अपनी ऊंट तों नीचे सट लिया, पैरां दे विच वी रस्सियां बद्धियां ने, हत्थां च वी रस्सियां बद्धियां ने। अल्लाह दे नबी रड़दे रड़दे अपनी मां दी कबर ते आए, मां दी कबर ते लेट गए ते रो के कहन लगे, अम्मा रही वेख तेरा यूसुफ कैदी बन के आया, अम्मा जिदे लब चुमदी रही है, जिदे रुखसार चुमदी रही है। रो के कहन लगे, अम्मा वीरा मैनू बड़ा ही मोर आई, अपने रुखसार मां दी कबर ते रख देने। ते रो के कहंदे, अम्मा मैनू वीरा इत्थे भी मोर आई, अम्मा मैनू वीरा ने ठुड्डे मारे ने। रो के कहन लगे, अम्मा जिनू गोदी च लटा के लोरियां देंदी रही है, उस यूसुफ नू वीरा ने खूज सट आई। रो के अर्ज की, अम्मा मेरी गलती भी कोई नहीं, अम्मा मैनू वीरा मार आई, बाप तू जुदा कर दिता आई, अपनी मां दी कबर ते लेट गए। अल्लाह दे नबी यूसुफ अली सलाम मानु शिकायतां पे कर देने, अर्ज कर देने, अम्मा उठ मैनू सीने न ला ले, अज तेरा यूसुफ बड़ा दुखी आ। नौजवान इन्ना दर्द नाल यूसुफ अली सलाम दे आसमान दिया हूरां दिया चीखां निकल गईयां, और अल्लाह दी रहमत दे फरिश्ते रोन लग पे। मां दी कबर भी गिल्ली हो गई, अथरुआं दे नाल अपनी मां दी कबर नूं गिल्ला पे कर देने। रो रो के आखदे ने, अम्मा उठ सीने न ला ले, आर पे घड़ी दी रूह तड़प गई, ते आ फरमांदे ने, मावां वाले मावां दे खुले, ए मावां वाले मावां दे खुले, ते सै फरियाद लै जांदे पर मोया मावां वाले रो रो ते आपे चुप कर जांदे। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम मां दी कबर ते अद्धी रात वेले फिर रोंदे ने। उधर जेड़ा वेले पहरेदार सी ना, उन्हें वेख्या कि यूसुफ ऊंट ते कोई नहीं, ओ समझिया कि पिछले मालिक दस के गए सन, गुलाम दौड़ जांदा है, ओ समझिया दौड़ गया। उन्हें काफले च रौला पा दिता, नवा गुलाम बच्चा दौड़ गया। सारे पे ढूंढते रहते, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम मां दी कबर तो रोंदे पे वापस आउंदे। ये जेड़ा आपदा पहरेदार सी, उन्हें थप्पड़ मारियो इतने जोर जोर नाल मार दे कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम बेहोश हो गए। उठे ना, होश आया तो फिर पे मार देने, ते आप आसमान वल वेख के कहंदे ने, या अल्लाह जे मैं सच्चा वां ना ते इहदे ते मेरे दरमियान फैसला कर। काफले वाले सारे पे वेखदे ने, लबां चों इतने अल्फाज निकले ते आसमान तो अचानक पत्थरां दी बारिश शुरू हो गई।
काफिले दे सरदार मालिक बिन अदगर ने जड़े वेले वेख्या इन पत्थर नाल असां मरना किधर जाइए। यूसुफ अलैहि सलाम दे सामने हाथ जोड़ के कहन लगा माफी दे दे। आपने मुस्कुरा के आसमान वाल वेख्या ते पत्थरां दी बारिश बंद हो गई। उस वेले उस काफिले दे सरदार नूं पता लगा कि ए गुलाम नहीं, ए कोई होर चीज़ है, इहदा ते गुलाम बनना चाहिदा। उन्हें आख्या जी इहदियां रस्सियां खोल दिओ ते बेड़ियां खोल दिओ। अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम दी रस्सियां ते बेड़ियां खोल के हुण यूसुफ अलैहि सलाम ने सारे काफिले तो अगे अगे अगले ऊंट ते बिठा लिया। हुण तू साडा इमाम ते असी तेरे मुक्तदी। काफिले वाले यूसुफ अलैहि सलाम नु लै के ते मिस्र वल जा रहे। गिरामी कदर हजरात, इज्जत, एक मुल्क दा बादशाह ते ओदी बेटी जिंदा नाम है राईल, जिन्हों लोग जुलेखा भी आखदे। बादशाह वक्त दी बेटी अपने बाप दी लाडली ते शहजादी है। एक रात लेटी ते उन्हों खावे चे केडी सोहनी सूरत नजर आई। इतना हसीन चेहरा, इंज लगदा जिवे को फरिश्ता है। छोटी जी उम्र चुने खाब च नूरानी शकल वेखी ना, अख खुली ते अख फिर बंद करे, किधरे नूरानी शकल फिर नजरी आवे। अखियां जोर नाल बंद कर दिए कि मेरा ख्वाब उथों शुरू हो जाए जिथों राबिता टुटे आए। आरबे कडीमिया दा फरमांदे ने सुफने अंदर ए मेरा माही मिले ते फेर बिछड़े ना जावा, ये डर दी मारी अख ना खोला किते फेर बिछड़े ना जावा। ए जुलेखा जड़े वेले नूरानी शकल वेख लई, अख खुली उस सूरत सोनी नाल इश्क हो गया, जिदे नाम दा भी कोई पता नहीं, ओदे कबीले दे बरादरी दा भी पता नहीं, ओदे इलाके दा भी पता नहीं, है खबर कोई नहीं कौन है। ख्वाब च नूरी शकल वेखी जुलेखा नूं इश्क हो गया, इनू प्यार लग गया। दिन ब दिन कमजोर हुंदी जा रही है, एदा बाप परेशान है मेरी बेटी नूं की हो गया है। जमाने दीआं खुराकां ते दवाइयां लै दित्तियां, जुलेखा नूं आराम ना आवे। थोड़ी देर दे बाद एक रात जुलेखा लेटी है, इनू दोबारा वो शकल नजर आई, दोबारा वेख के मजीद बीमार हो गई। इहदे बाप बादशाह ने एक वडेरी माई दी ड्यूटी लगा दित्ती, इनू पुछ तेनू गल की है। एक दिन माई जुलेखा दे नेड़े बैठ गई, पुछन लगी बेटी क्यों कमजोर होंदी जा रही है। जदू किसी ने दिल दा हाल पुछया, अज जुलेखा दियां चीखां निकल गई, एदे कोल इश्क ना संभालिया जावे। कहन लगी अम्मा की दसा, ख्वाब च इक सुनी शकल वेख बैठी आं, दिल विच ओहदा इश्क आ गया है। ओनू ना वेखा मैनू करार ते चैन नहीं आउंदा। आरफे खड़ी मियां मुहम्मद बख्श दी रूह तड़प गई, ते आ फरमांदे ने इश्क दी नादी हड्डी रचे आ, ते फेर नहीं उसने जाना। सोने पावे मिलन हजारा, ते असा नहीं यार बटाना। सोने पावे मिलन हजारा, आसा नहीं यार वटाना।
माई ने सारी गल सुना के बादशाह नु दसी के तेरी बेटी ख्वाब च किसी दा हुस्न वेख के आशिक हो गई। हुण बाप कोल ते इस गल दा इलाज ही कोई नहीं, ख्वाब च नजर आने वाला है कौन है, ओदे नाम दा नहीं पता, ओदे मुल्क दा नहीं पता, ओदी जबान ते बरादरी दी कोई खबर नहीं। जुलैखा दा बाप मजीद परेशान है कि मैं अपनी बेटी कित्थों शिफा लेके आवां। इधर जुलैखा जवान हुई ते जुलैखा नूं ख्वाब आया ते ख्वाब च फिर सोहनी सूरत नजर आई ते ख्वाब च कदम फड़ ले। जुलैखा रो के कहन लगी तेरे पीछे मर मुक चल रही हूं, तू मैनूं दस तू है कौन है, कित्थे दे रहण वाला है। उस सोहनी सूरत वाले ने ख्वाब च आखिया मैं मिस्र दा बादशाह हां, जिन्हों रब ने तौफीक दी। वो बोले सुभान अल्लाह, मैं मिस्र दा बादशाह हां, मैनूं मिलना ही ते मिस्र आ जा। इधर जुलैखा जवान हुई ते दे वास्ते कई बादशाहां ते शहजादियां दे रिश्ते आ रहे। बाप नूं जुलैखा ने उठ के दसिया कि बाबा जिहड़ा मैनूं ख्वाब च मिलदा है ओह मैनूं रात दस के गया कि मैं मिस्र दा बादशाह हां, ते बाबा मेरी शादी मिस्र दे बादशाह नाल कर दे, मैं अपने महबूब नूं मिलना चाहनी हां। इधर यूसुफ अलैहि सलाम काफले दे नाल मिस्र वल आ रहे। जेड़ा मिस्र दा वजीर है, बादशाही वजीर है, जिन्हों अजीज मिस्र किया जा रहा है, इन बादशाह ने पैगाम भेजा कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे नाल करना चाहना, ते बेटी भी देवांगा, ते दौलत भी देवांगा, ते शादी भी देवांगा। अजीज मिस्र ने आख्या कि मैं आप बादशाह वजीर आजम मुल्क दा, मैनू दौलत की लोड़ नहीं, तो अपनी बेटी का रिश्ता दे दे, शादी हो गई। रात नूं जुलैखा हुजरे उरूसी च बैठी है, दुल्हन वाले कमरे च बैठी है, ते मिस्र दा बादशाह जदों अजीज मिस्र आया ना, ये वेख के ते नौकरानी ने पूछ लगी है कौन जेड़ा मेरे कमरे च आके, उन्हें आख्या तेरा शौहर है। जुलैखा चीख मार के बेहोश हो गई, सारी रात भी होश रही, सुबह उठ के जुलैखा परेशान है कि ये वो तो नहीं जिन्हों मैं ख्वाबां च वेखदी रही, ये तो कोई होर। हाथ से गैबी तो जुलैखा दे कन्ना च आवाज आई कि चुप करके एदी खिदमत करी जा, ये आप वो तो नहीं मगर ये तेनों ओदे नाल मिलावेगा, ये वो नहीं मगर ये तेनों ओदे नाल मिला देवेगा। जुलैखा खुश हो गई हाँ कि मेरी मुलाकात उदे नाल हो जाएगी जेड़ा मैनूं ख्वाबे च नजरी आउंदा रहा। इधर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं गुलाम बना के काफले वाले मिस्र आ रहे, मिस्र दी हद च पहुंचे, ते एक दिन जुलैखा अपने खावां तो इजाजत लैके शाम दे वेले सैर करन वास्ते बाहर निकली। इधर यूसुफ दा काफिला आ रहा, बाजी तुसी थक तो नहीं गए, अजे तो मैं शुरू होया। मैं तुहानू अगे पहले अर्ज कर चुके हाँ कि यह किस्सा है कि जे मैं चार महीने जुमे च सुनावा तो मुकदा नहीं, ते मैं तो तुहानू एक महफिल च सारा सुनाई जा रहा, इख्तिसार नाल सुना रहा। नौजवानों एक किस्सा बड़ा तवील है, अगर मैं इहदियां जुज़ियात और मैं इहदी सूफियाना तफसीर करा और मैं इहनूं मजीद फैला देवां ते इह ते हिजर दी रात वांगू बड़ा लंबा है, मगर मैं समेट के गल सुना रहा। इधर शाम वेले दुलैखा सैर करन वास्ते बाहर आई, उधर यूसुफ अलैहि सलाम दा काफिला लगाया आ रहा है, मिस्र दे नेड़े आके आप दे मालिक ने जिन्हें खरीदया आए, कहन लगा
ਜਿਆ ਗੁਸਲ ਕਰ ਲੈ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਗੁਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਜ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਲੋਕ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਸੂਰਜ ਵੀ ਪਿਆ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਏ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਵੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਵੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਬੇਦਸ ਆਪ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਅੰਮਾ ਅਜੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਵੇਖਿਆ ਈ ਕਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਸਫ ਭੁੱਲ ਜਾ ਅਜੇ ਤੇ ਯੂਸਫ ਵੇਖਿਆ ਈ ਜੇ ਕਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੇਖੇ ਲੱਖਾਂ ਯੂਸਫ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਇਧਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਮਿਸਰ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਯੂਸਫ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਈ ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮਹੱਲ ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਏ ਮਿਸਰ ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਮ ਵਿਕਣ ਆਇਆ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਮਾਲਿਕ ਬਿਨ ਅਦਗਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੁਸਨ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਆਏ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੇਖਣ ਦਾ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਮਿਸਰ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਹਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਟਿਕਟ ਤੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਸੂਫੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਸਨ ਦੇ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰ ਬਾਅਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1000 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚੋਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ 900 ਹਿੱਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਤੇ 10 ਚੋਂ 9 ਹਿੱਸੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੇ ਤੇ 1 ਹੁਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਵੰਡਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸੇ ਅੰਧੇਰੀ ਗਲੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਤਨਾ ਹੁਸਨ ਕਿ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆਈਨੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਫਾਫ ਜਿਸਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿਕਟ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਖੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੁਬਾ ਯੂਸਫ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਆਓ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਨੌਜਵਾਨੋ ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੋਕ ਯੂਸਫ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਵਡੇਰੀ ਲਾਠੀ ਟੇਕਦੀ ਉਸ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮਾ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਪੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਯੂਸਫ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਯੂਸਫ ਖਰੀਦਣ ਆਈ ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਸੂਤਰ ਦੀ ਅੱਟੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੂਸਫ ਖਰੀਦਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਯੂਸਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ
ਤੇ ਤੂੰ ਸੂਤਰ ਦੀ ਅੱਟੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਖਰੀਦਣ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈ ਚੀਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੋਗੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਟੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਅਮਾ ਅੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਯੂਸਫ ਖਰੀਦਣ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਯੂਸਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਟੀ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ लो भाई मैं डर गया सा कि होरे रापुर विच नारे अंदर आवाज मुक गया पर अल्लाह भला करे ने मेरा डर भाई खौफ दूर कर दिता ये चलो शुक्र अल्लाह दा डक्का खुल गया भाई यूसुफ पे अभी कदा अटियां लेके भी माई आ गई खुजाने लेके बड़िया बड़िया शहजादियां ते बादशाहां दी बेटियां यूसुफ खरीदन आ गई ज़ुलैखा भी अपने खामद अजीज मिस्र नूं लेके ते अपना खजाना लेके आ गई यूसुफ पे बोली लग गई सारे तो उची बोली ज़ुलैखा ने दिती पर इत्थे आके हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी रहमतुल्लाह अलैह दी रूह तड़प गई आ फरमाते ने ओ बेकदर हो ओ यूसुफ पे वेच दे ते खरीद दे आपने फरमाया इनिया दौलतां ते ऊंटां ते लद्दे खुजाने दे के ते यूसुफ नूं ज़ुलैखा ने खरीद लिया पर आप फरमाते ने खरीदिया भी बेकदर हां ते बेचिया भी बेकदर हां ते पूछिया मौलवी जी कदर किवें सी ते मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी फरमाते ने खरीदा ते वेचण दी कदर ते उदों पता लगनी सी हजूर कदों आ परमाते ले कदर ते उदों पता लगदी जे कर कीमत याकूब करें दे जे कीमत याकूब करें दे ते मुल ज़ुलैखा लैंदी दीद दे बदले ते ओ भी कबूल ना पैंदी यकूब अलैह सलाम कदे वेच दे ते खरीद दी ज़ुलैखा फरमांद ने मुल दा ते यूसुफ दा फिर पता लगदा इत्थे ते दुनियादारा कोल ज़ुलैखा खजाने दे के खरीद के लै चलिए ना परमाने जे कर कीमत याकूब करें दे मुल ज़ुलैखा लैंदी जान देंदी एक दीद दे बदले ओ भी कबूल ना पैंदी ज़ुलैखा याकूब नू कहंदी ए जान ला ला ते इक वारी यूसुफ खा दे ते याकूब अलैह सलाम ओ भी कबूल ना कर दे उस वेले याकूब अलैह सलाम दे सामने यूसुफ दी कीमत दा कायनात नू पता लगदा नौजवानों यूसुफ अलैह सलाम विक गए ओदी शान बेनियाजी वेखो ये रब्बे काबा दी कसम उठा के कहना एडा बेनियाज है एडा बेनियाज है कदे रसूल दे मोढ़ियां ते चढ़ा देंदा है ते कदे नेज़ियां दी नोकां ते चढ़ा देंदा है ओदियां बेनियाजियां ने रसूल दे मोढ़ियां ते खेडण वाले नूं नेज़ियां दी नोकां ते चढ़ा देंदा है ਇੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਯੂਸੁਫ ਕਦੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਵੀਰ ਖੋਟਿਆਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਤੇ ਪੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਤੇ ਭਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋ ਵਿਕਦੇ ਵਿਕਾਂਦੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਇਧਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮਿਸਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अपनी बीवी ज़ुलैखा नूं कहण लगा इतना सोहना है अगर ते इहदियां आदतां भी चंगियां होईयां ते होवे ना तैनूं पुत्तर बना लईए सोहना ते है जे सीरत भी सोहनी निकली साडी औलाद कोई नहीं इहनूं पुत्तर बना लवांगे ज़ुलैखा चुप रही क्यों अज़ीज़े मिस्र नूं नहीं पता पर ज़ुलैखा नूं ते अपनी ख्वाब दी तबीर सामने पई नज़र आउंदी सी सामने तबीर थी नजर आंदी ओ जिदी खाबा बचपन तो वेख दे रही हुन यूसुफ ज़ुलैखा दे हर वेले सामने रहंदा है ज़ुलैखा दी हर वेले तमन्ना है यूसुफ अरे एक वारी अख खोल के मेरे वल वेखे ते सही
یہ بھی بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی تے اپنی حسن وچ بے مثال سی۔ پر زلیخا بار بار یوسف دے قریب تو گزرے تے یوسف ہر ویلے رب دی عبادت کر دے۔ ایسا پاکیزہ فطرت دا انسان کدے اٹھا کے نگاہ زلیخا ول کدے اٹھا کے نگاہ ویکھے نہیں۔ زلیخا دی اکو ہی تمنا کدے یوسف میرے ول اک واری ویکھے سائی، پر یوسف کدوں ویکھے؟ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید نے دسیا کہ ایک دن اے زلیخا حضرت یوسف نو پہلا پھسلا کے او پچھلی کوٹھڑی چلا گئی۔ سات دروازے نے یوسف علیہ السلام نو لے کے جا رہی تے غلام نو کہہ رہی جو جو میں گزر دی جاواں دروازے لاک کر دے جایا جے، تالے لگا دے جایا جے۔ قرآن کریم نے دسیا کہ زلیخا جڑے ویلے ستویں کمرے چ پچھلی کوٹھری چ یوسف نو لے گئی، سارے دروازے بند ہو گئے۔ تو زلیخا نے اس ویلے حضرت یوسف علیہ السلام ول ویکھیا تے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا زلیخا یوسف نو کہہ لگی ہن تو اے یا میں واں، جلدی کر، گناہ دی دعوت دیتی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یوسف نبی ہیں جنہ دی عفت طہارت تے پاکیزگی دیاں رب رکھوالیاں کرے۔ ایڈا ڈاڈا امتحان، ستویں کوٹھڑی ہے، حسن والی عورت جوان سامنے، حسن بھی جوانی بھی، نوجوانوں کوئی ویکھن والا بھی نہیں، عورت دعوت گناہ دی سامنے پہ دے رہی ہے۔ مفسرین فرما دنے اس کمرے دے اندر زلیخا دا پت سی جی دی پوجا کر دی ہے۔ زلیخا نے اپنا دوپٹہ اتار کے اپنے پت دے چہرے تے دے دتا۔ اللہ دے نبی یوسف نے فرمایا یہ کی بھی کرنی ہے؟ کہن لگی گناہ کرن لگی اپنے رب تے پردہ کیتا میرا رب ویکھنا۔ یوسف علیہ السلام دیاں کج اتھرو آ گئے۔ زلیخا کہن لگی یوسف رویا کیوں ہے؟ فرمایا تیرا رب نہیں ویکھدا، میرا پیا ویکھدا۔ میرا رب پیا ویکھدا۔ زلیخا یوسف دے نیڑے آئی نا، اللہ کریم نے فرمایا پھر اس ویلے اسا حضرت یوسف نو اپنی برہان تے اپنی دلیل وکھائی۔ کون ہے اج جڑے حوصلے والا نوجوان؟ نوجوانوں دعوت گناہ بھی ہے تے موقع بھی ہے، پر واہ یوسف میں تیری پاکیزگی تو صدقے جاواں۔ آج نبیان دی عزت جنہ دی رکھوالیاں رب کر دے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا سا اس ویلے اپنی دلیل تے برہان وکھائی۔ او برہان تے دلیل کی ہے، کسے کچھ آکھیا کسے کچھ آکھیا، پر مینو جڑا سب تو سونا قول لگ دے او برہان ایسی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دی اچانک یوسف نو زیارت ہوئی تے یوسف نے باپ نو ویکھیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دنداں تھلے اپنی انگلی لئی ہے، ایسا کر کے اپنے دنداں وچ انگلی لے کے تے بڑے پریشان ہو کے فرما رہے نا پترا نا۔ آ جڑے ویلے پچھڑے باپ نو ویکھیا نا اس حالت دے اندر زلیخا سامنے پہ ویکھے، اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دتی۔ آپ دوڑ دے جا رہے نے، تالے ٹوٹ دے جا رہے نے، دوڑ لگا دے جا رہے، تالے ٹوٹ دے جا رہے نے۔ ایک دروازے چ گزرے ٹوٹ گیا، دوسرے چ گزرنے نے تالے ٹوٹ دے جا رہے، دروازے کھل دے جا رہے۔ یوسف علیہ السلام جڑے ویلے آخری دروازے دے نیڑے آئے، ادھر زلیخا بھی نیڑے آ گئی، انہیں یوسف علیہ السلام کی قمیض نو پیچھے پکڑ لیا۔ آپ کی قمیض پھٹ گئی، پر یوسف دوڑ کے باہر آئے، ستواں دروازہ بھی کھل گیا، یوسف دے سامنے دروازہ ٹوٹیا، ویکھیا عزیز مصر بادشاہ سامنے کھڑا ہے، اور یوسف دے سامنے بادشاہ پیچھے اودی بیوی ہے، بادشاہ ہے
हैरान है, मेरा गुलाम ते मेरी बीवी एक कमरे चू पे निकल देने। कह लगाए की माजरा है, अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया जे ए माजरा पूछना ही ते मेरी गवाही कोई देवेगा। बादशाह कह लगा गवाह कौन है? जुलैखा कह लगी कौन गवाह है? एक पंगूड़े च बच्चा पिया झूला लैंदा है। यूसुफ अली सलाम ने इशारा किया, फरमाया मेरी गवाही ये पंगूड़े वाला बच्चा देवेगा। आ बच्चा मेरी गवाही दे। आ बच्चा मेरी गवाही देवेगा। अजीज मिसर ने बच्चे वाल वेख्या ते पंगूड़े च चार महीने दा बच्चा जेड़ा जुलैखा दे मामू दा पुत्र कार दी गवाही। अजीज मिसर ने पंगूड़े वाले बच्चे वाल वेख्या ए बोलेगा चार महीने दा बच्चा, ते बच्चा बोल के कहन लगा बादशाह जे ते कमीज अगू पाटी फिर यूसुफ झूठा ते जुलैखा सच्ची, ते जे कमीज पिछू फटी फिर जुलैखा झूठी यूसुफ सच्चा। बादशाह ने वेख्या ते कमीज पिछू फटी है कि जुलैखा ने पिछू खिंची है। जे सामने फटी आंदी ते पता लगना सी यूसुफ ने हमला मादला किया ते जुलैखा ने बचाव किया। कमीज पिछू फटी है ते पता ही लग गया कि यूसुफ दौड़िया ते खिंचिया जुलैखा ने। बादशाह ने अपनी बीवी वाल वेख्या तो यूसुफ को माजरत की थी कि मेरी बीवी का कसूर है, माफी दे दे। मिस्र दी सारिया वजीर दी औरतां ने जुलैखा नूं ताना ते मेना मारे ने, तेनूं शर्म ते हया नहीं आई? नहीं अपने गुलाम नाल? ते जुलैखा कहन लगी तुसां अजे वेख्या नहीं ना, तुसां मेरा यूसुफ अजे वेख्या नहीं? कहन लगी वखा दे। सूफिया इत्थे मुहब्बत दी गल लिखी, कहंदे ने असल उहनां दा मतलब ये सी कदे यूसुफ वखावे ते सही, ओ मैं नहीं मार दिया सन किधरे यूसुफ नजर आ जावे। कहन लगी लग पता जावे वखा अपना यूसुफ जिदे तो तू इतनी आशिक हो गई। इन्हां नूं सेब या लींबू दे के ते छुरी दे के कहन लगी तुसीं सेब खाओ ते मैं यूसुफ नूं बुला के ले आऊंगा। ये सेब पियां कट के खांदियां ने ते यूसुफ अलैहि सलाम दी खिदमत चर्ज कीती। जरा एक बारी गुजरे आ जे। यूसुफ अलैहि सलाम दे चेहरे ते हर वक्त नकाब रहंदा सी कि कोई औरत मैनूं वेख के ते फितने च मुबतला ना होवे। आप औरतों के करीब तो गुजरे, तुहानू पता है कि आपने चेहरे ते नकाब थोड़ा जा नकाब सरकाया, सारा नहीं, एवं थोड़ा जा नकाब सरकाया। ते वो औरतां जिहड़ियां हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नूं वेख के सेब पईआं खांदियां सन, वह यूसुफ का जमाल वेख दिया रही हैं ते सेब कट्टण दी बजाए उंगलियां कट लईआं। कुरान ने फरमाया वक्त तान अईदिया हुन व कुलन हाश लिल्लाह मा हादा बशरा इल हादा इल्ला मलकुल करीम। उन्होंने उंगलियां ते हाथ अपने कट ले, दर्द भी हो रहा महसूस नहीं हो रहा, खून भी पिया निकलता महसूस नहीं हो रहा, उंगलियां कट लिया। पर यूसुफ वाल वेख के कह लगियां कुल ना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा, हाय 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 नहीं ये बंदा नहीं जे लगता। वकुल ना हाशा हाय हाय ये बंदा नहीं लगता। कुल ना हाशा लिल्लाह मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, इत रब का कोई इज्जत वाला फरिश्ता लगता है। रबे काबा की कसम उंगलियां कट लिया, उन्होंने खबर ही नहीं हुई उंगलियां कटियां केड़े वेले गई, क्योंकि यूसुफ वेख दिया ने। ते सूफी आ फरमा दे जो यूसुफ वेखे उन्होंने उंगलियां कट्टन का पता नहीं लगता, तो जो मोमिन मरन लगे मुहम्मद वेखता हो वे रूह निकलन का पता कि लग सकता है। मरदियां कमली वाले ने दीद हो जाए रूह निकलन का मोमिन कि खबर हो गए उंगलियां कट लिया। नौजवानों और मैं ये भी मुफस्सरीन दी किताब च पढ़िया कि ये औरतां एक एक करके ना ते हजरत यूसुफ नूं कमरे च आईया कि यूसुफ जुलैखा दे आखे लग जा। पर जिहड़ी ये गल कहण आउंदी है यूसुफ नूं वेख के अपना आप यूसुफ नूं पेश पई कर दी,
नाले अपना पेश कर दिए गुनाह की दावत दे दिए नाले ये भी कह के जांदी है ज़ुलैखा दे आखे लग जा। यूसुफ अलैहि सलाम ने सारियां नु इनकार कीता। नौजवानों ज़ुलैखा अपने खामद नु कहन लगी कि ए अगर इंज मेरे सामने रहा ते मैं बदनाम हो जावांगी सारे जमाने दे अंदर, इनु कैद कर दे। यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया मैनु कैद कबूल, मैं गुनाह नहीं करांगा। यूसुफ अलैहि सलाम नु कैद कर दिया गया, सारा जमाना यूसुफ नु भूल गया। आप जदों हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कैद खाने आए थे आपने उथे रब दी तौहीद ते अपनी नबूवत दा ऐलान सुनाना शुरू कर दिता। कैदियां नु मोमिन बना रहे ने। यूसुफ अलैहि सलाम दी उथे नबूवत दा आगाज़ ते नबूवत दी दावत शुरू हो गई। इधर दो कैदी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे नेड़े बैठे ने। अल्लाह करीम ने हजरत यूसुफ नु ख्वाबां दी तबीर दा इल्म अता फरमाया, ख्वाबां दी तबीर दा इल्म। ए जड़े दो कैदी हजरत यूसुफ दे नेड़े नेड़े रहंदे ने, एक बादशाह नु शराब पिलांदा सी, एक बादशाह दे बबरची सी खाने बनांदा सी, किसे जुर्म च दोवें कैद खाने च आ गए। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दी सारे कैदी बड़ा अदब ते इहतराम करदे ने। इन्हां नूं ख्याल आया सी बादशाह दे नौकरां साडे वल वेखदे कोई नहीं, सारे यूसुफ अलैहि सलाम वल कैदी भागे जांदे ने, ते होवे ना ते यूसुफ दी कदर घटा देईए जेल च। साकी ते बबर च इक दिन यूसुफ अलैहि सलाम दे कोल बह के ते साकी कहण लगा मैं ख्वाब वेख्या तबीर ते दस फरमाए बोल। कह लगा मैं ख्वाब वेख्या कि मैं शराब पिया बादशाह नु पिलाना। यूसुफ अलैहि सलाम फरमान लगे तेरी ख्वाब दी तबीर ए वे कि तू इस कैद खाने चो बाहर जावेगा ते बादशाह नु शराब पिलावेगा, तू आजाद होवेगा। ओ जड़ा बबरची सी ओ कहन लगा मैं ख्वाब च वेख्या कि मैं एक बर्तन च रोटियां अपने सर ते उठा के ले जाना ते परिंदे रोटियां पे खांदे ने। यूसुफ अलैहि सलाम फरमान लगे तेरे ख्वाब दी तबीर ए वे कि तू फांसी चढ़ जाएगा, सूली चढ़ जाएगा। ये दोवें एक दूजे दे हाथ ते हाथ मार के कहन लगे लै भाई बड़े ख्वाब दिया तबीर दसदा, असां ते ख्वाब वेखे ही नहीं, असां ते झूठ बोले। ते यूसुफ अलैहि सलाम फरमान लगे ख्वाब वेखिया या नहीं वेखिया, हुण नबी दे लम्हा चो निकल गया पूरा हो के रवेगा। फरमाया हुण नबी ने कह दिता है, हुण तां एवें ही होवेगा जिवें यूसुफ ने कह दिता है। ये दोनों डर गए कि यूसुफ ने कह दिता हुण इहदे लब्बां दी बोली पूरी होवे ही होवे। सच्चे मर्द सफाई वाले जो कुछ कहन जुबानू, मौला पाक मनेंदा ओहो पक्की खबर सानू। नौजवान वेला गुजरदा 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 जा रहा, पांच साल या सात साल गुजर के कैद अंदर। इधर हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कैद अंदर तबलीग पे कर देना, उधर बादशाह नु ख्वाब आया। बादशाह वक्त ने ख्वाब वेखे, ख्वाब दे अंदर वेखदा है मोटियां गाइयां पतलियां गावां नूं खाई जांदियां ने। उन्हें वेख्या कुछ दरख्त हरे भरे ने, कुछ खुशक ने, कुछ फसलां खुशक ने, कुछ हरियां भरियां ने। बादशाह ने सारे नजूमियां नूं इकट्ठा कर लिया, मेरे ख्वाब दी तबीर दसो, नजूमियां नूं ख्वाब दी समझ ना आवे। ते कहन लगे ख्वाब एवें पिया वेखना, इस ख्वाब दी कोई तबीर नहीं। नौजवान बादशाह ने दिन भी परेशान रहना, रात भी परेशान रहना। वो जड़े बादशाह दे बबरची ते साकी है, इन्हां दी सदा जड़े वेले पूरी हो गई, जड़े वेले उस बबरची नूं फांसी चढ़ा दिता गया, जड़े वेले साकी अपनी कैद तो आजाद होया। यूसुफ अलैहि सलाम ने उन्हूं सामने बिठा लिया, फरमान लगे जदू बादशाह दे कोल जावे एक बारी बादशाह दे सामने मेरा जिक्र जरूर करना ही। वो वादा करके चला गया। पांच साल गुजर गए, उन्हूं भी बादशाह दे नाल गल करन दी याद ना रही। नौजवान इधर कैद अंदर बारह साल गुजर गए, जिस वेले बादशाह ने ख्वाब वेख्या, किसी नूं ख्वाब दी तबीर दा पता ना लगे, ओ जिहड़ा कैद विचों आया सी बादशाह नूं कहण लगा बादशाह एक बंदे नूं मैं भी जानना, ख्वाब ना भी वेखी होवे ओ तबीरां फिर भी सच्चियां ही दसदा। ख्वाब दी तबीर नहीं आई ते ओ ते ख्वाब नाम ही वेखी होवे।
बादशाह पूछा कौन है साकी तड़प उठिया के पांच साल गुजर गए मैंने चेता ही नहीं रहा दी गल करनी कह लगा बड़ा ही सोना ते तेरी जेल च कैद जुर्म दा मैनू नहीं पता उन्हें की कीता बादशाह कह लगा दौड़ के जाते उन्हें ख्वाब मेरी सुना के ते तबीर पूछ गया ओ साकी जड़ वेले जेल च आया ते यूसुफ अलैहि सलाम ने बादशाह दी ख्वाब सुनाई ते आपने फरमाया सुन तेरे बादशाह दी ख्वाब दी तबीर है वे के सात साल बड़ी बारिश होगी बड़िया फसलां होणगियां अगले सात साल कैद पै जाएगा ते कोई फसल नहीं होगी बारिश नहीं होगी ख्वाब लेके आने वाला कहने लगा कोई हाल भी दस आपने फरमाया हाल ये कि जेडे फसल वाले ते बारिश वाले सात साल होन उन सत्त साल थोड़ा जा खाना खा लो ते बाकी जमा करते रहो अपने गंदम के दाने सिटिया के बेच ही रखा जे सिटिया के दाने ना कड़े जे किधर कीड़ा ना लग जाए ये सात साल जोड़िया जे ते अगले सात साल खाया जे ख्वाब दी तबीर भी दसी ते बचन दा तरीका भी दसिया इसहाकी ने जो बादशाह नूं गल पहुंचाई ना तो नूं ख्याल आया बंदा ते को बड़ा सियाणा है बादशाह ने आख्या जाओ उन्हों कैद चो बाहर निकाल के रहो यूसुफ अलैहि सलाम नूं बाहर कढ़न आए ते आपने फरमाया इंज बाहर मैं भी नहीं आऊं हजूर किवें आना है ते यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया जाओ ओ वजीर दियां बीबियां नूं बुलाओ ते उन्हां नूं पुछो कि यूसुफ दा कसूर की है इल्जाम जुलैखा ते नहीं लगाया फरमाया जिन्हां बीबियां दे हथ कटे गए सन ऐ बादशाह मिस्र उन्हां बीबियां नूं बुला क्योंकि इन्हां दे वरगलान दी वजह तो जुलैखा ने हजरत यूसुफ नूं कैदी कराया बादशाह मिस्र ने जेड़े वेले हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे कहंते ना मिस्र दे वजीरां दी बीबियां नूं बुलाया जिन्हां हथ कटे सन ते उन्हां बीबियां आख्या कि यूसुफ दा कोई कसूर नहीं ऐ बादशाह तेरे वजीर दी बीवी जुलैखा है जेड़ी यूसुफ ते आशिक होई सी कसूर सारा जुलैखा दा जुलैखा नूं बुलाया गया ते अजीज मिस्र नूं वजीर नूं बुलाया गया ते जुलैखा भी मन गई कि कसूर मेरा सी उस वेले बादशाह ने मिन्नत समाजत ते माफी मंगी यूसुफ अलैहि सलाम को तद की बाहर आओ फरमाया अजे भी बाहर नहीं आना हजूर किवें आना फरमाया जिन्हें जिन्हें मेरा कलमा पढ़े ना सारे कैदियों नूं आजाद कर दे हुण बादशाह नूं मिस्र विच यूसुफ दी लोड़ सी सारे कैदी एक यूसुफ दे बदले ते सदके च आजाद कीते गए यूसुफ अलैहि सलाम नूं बादशाह अपने तख्त ते नाल बिठाया बड़ी इज्जत की थी यूसुफ अलैहि सलाम दी नौजवान सात साल बारिश हुई ते फसल हुई अगले सात साल फिर कैद कैद दा जमाना आया इस मिस्र दे बादशाह ने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम नु अपना तख्त भी दे दिता ताज भी दे दिता दौलतां ते खजाने भी दे दिते ते मिस्र दा बादशाह बन गया अल्लाह दा नबी यूसुफ अलैहि सलाम इन्हां बाजारां च कदे विकदा रहा इस यूसुफ दियां इन्हां बाजारां च कदे बोलियां लगदियां रहियां अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम मिस्र दे बादशाह बन गए ऐसी हिकमत अमली नाल हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने गल्ला सात साल जमा कीता कि सारे गोदाम भर ले जब कैद पै गया ना तो आपने यूसुफ अलैहि सलाम ने मिस्र च ऐलान करा दिता कि जिन्हों गल्ला ना किधरों मिले वो यूसुफ को लै जाए पहला साल आया तो लोग पैसे लेके आ गया पैसे नाल गंदम खरीद के ते गदा खरीद के ते गल्ला खरीद के लेके जा रहे सारे मिस्र दे पैसे हजरत यूसुफ को कट्ठे हो गए हुण पैसे मुक गए अगले साल लोगों नूं गल्ले दी लोड़ पई ते हजरत यूसुफ नूं जेवर दे गए जेवर भी यूसुफ दा ते गल्ला लै गए अगला साल आया अपनियां मज्जां बकरियां गावां दे के यूसुफ को गल्ला लै गए नौजवानों हुण हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को मिस्र दा सारा रुपया पैसा भी आ गया जेवर भी आ गए बैंसां ते मज्जां ते सारा कुछ आ गया अगला साल आया मिस्र दे लोग गल्ला लैन वास्ते अपने गुलाम ते नौकरानियां ते लौंडियां भी बेच गए
ਉਹ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਛੇਵਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਯੂਸਫ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਗੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਯੂਸਫ ਕੋਲ ਸੀ ਪਰ ਵੀ ਯੂਸਫ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਛੇਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੂਸਫ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੱਤਵਾਂ ਸਾਲ ਆਇਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਸਫ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯੂਸਫ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਮਿਸਰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੈਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਜ਼ੇਵਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਆ ਉਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਕੌਣ ਆਖੇ मेरे नबी नु गुलाम बना लवा लो जे तुहाड़ियां नस्लां यूसुफ दे गुलाम ना बना दे अल्लाह दे नबी यूसुफ अलैहि सलाम ने वेख्या के ए सारी माल दौलत आप ही मेरे गुलाम बन गए सामने खलार के सारे मिस्र नु फरमा जाओ गल्ला भी ले जाओ ते तुसी भी सारे आजाद हो क्योंकि यूसुफ ने गुलामी दे दिन वेखे सन फिर अल्लाह दे नबी दे रहम ते करम वेख नबी अल्लाह ने सारा अपना गल्ला भी तकसीम कर दिता आपने उन्होंने गुलामी तो आजाद भी कर दिता तो याद है कि तीन महीने तक लोग हजरत यूसुफ का चेहरा वेख के रज दे रहे सुबह काम से जान लगते हैं तो कहते हैं यूसुफ गल्ला चाहिए आपने फरमाना गल्ला मुख गया तो हजूर भुख किवें लथेगी फरमाना मैदान च आ जाओ मैदान च आ जाना तो हजरत यूसुफ ने चेहरे तो कपड़ा चुक देना जेड़ा सुबह वेख के जाता है उन्होंने शाम तक भुख नहीं लगती शाम नौ दिन फिर यूसुफ उन्होंने वेख जाते हैं सुबह तक भुख नहीं लगती फिर सुबह आ जाते हैं शाम भी आ जाते हैं सुबह भी आ जाते हैं शाम भी आ जाते हैं तीन महीने एवं गुजर गए ते मौलाना गुलाम रसूल आलमपुरी फरमाना तीन महीने रजी खलकत वेख यूसुफ कन्यानी जिन्ना मुहम्मद अरबी डिठा रज गए दोवें जहानी बड़िया लंबिया दास्ताना ने जो मैं पेंडे पै गया ना हजरत यूसुफ के हजूर के हुसन का अगर मैं तकाबुल करा वक्त दरकार हजरत यकूब के मुल्क शाम भी पहुंच गया भरा भुखे पे मरदे ने एक दिन यकूब अले सलाम के कोल आके भरा कह लगे अब्बा जान सुने जरा मिस्र का बादशाह वह बड़ा सखी है इजाजत दियो ते असी भी कोई उन्हां कोलों जाके कुछ लैके आईए नौजवानों ने वेला थोड़ा मैं भाई उकाड़े पहुंचना है बहुत बड़ी महफिल है तुहानूं पता है उकाड़े एक किस्सा इतना लंबा है कि मैं एक रात विच या एक महफिल विच इहनूं पूरा नहीं सुना सकदा मैं इख्तिसार नाल अर्ज़ कर दिया भाई मिलन आए ना ते कहण लगे नबी दी औलाद आ अल्लाह दे नबी यूसुफ ने बड़ी कदर की पहचान गए कि मेरे भाई आए ने आप परदे च रहे अपने भाइयों नूं गल्ला दे के भेजिया ते जिहड़े पैसे गल्ले दे वीरां दित्ते आप नौकरां नूं फरमाया कि इन्हां दे गल्ले दे विच इन्हां दे पैसे भी रख दे ते नाल आपने फरमाया कि भाई इंज करो कि फिर आया जे थाई गल्ला लैके गए ते जाके जदों अपने गल्ला खोलिया ते वेख्या पैसे भी वेची ने बड़ा सखी बादशाह है ते आप यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया तुसी दस आयो ते यारवां वीर किथे वे कहन लगे ओ बिन्यामीन असी 12 भरा सा एक मर गया उन भेड़िया खा गया ते ए बिन्यामीन ते यूसुफ सकाए ते बिन्यामीन नु वेख के प्यो दियां अखां ठंडियां आउंदियां ते बाप साडा वडेरा हो गया इस वास्ते ओ नहीं आया ते आपने फरमाया अगली वारी ओनू भी लिया आया ओदे हिस्से दा भी देवांगा आके ते वीर कहन लगे अब्बा जी इजाजत होवे ते इस वारी बिन्यामीन नु भी असी लेके जाना ते आपने फरमाया कि यूसुफ लेके गए सो हुण मैं बिन्यामीन नहीं लेके जाण देना
पुत्रा ने वादा किया बाजी यूसुफ की माफी दो तो बिन्यामीन असं लैके आवे बड़ी राखी करा नबी की अख दूर तक कंपे कर दी सी बिन्यामीन नु भेज दिता बिन्यामीन जदों आए ना तो हजरत यूसुफ ने सक्का भरा वेख्या ते अपने पुत्र नु कहन लगे पुत्रा आ तेरा चाचा है ते जा इहदे करीब खलो जा ते जे पुछे ना कौन है ते आखी यूसुफ दा पुत्र खून नु खून दी खुशबू आई ना नौजवानों मिस्र दे पांच दरवाजे सन ते हजरत याकूब ने फरमाया सी कठे हो पुत्रो एक दरवाजे चो ना गुजरियो दो दो होके गुजरे आ जे इह दरवाजे चो मिस्र दे चो गुजरे ते दो दो वीर होके गुजरे दस गुजर गए ते बिन्यामीन कल्ला बूए च रह गया ओदियां अखां चथरू आ के कदे मेरा भी यूसुफ वीर हुंदा जे मेरे नाल गुजरदा यूसुफ अलैहि सलाम ने अपना पुत्र भेज के फरमाया जा चाचे नु लेके आ दरवाजे चो गुजरन लगे ना ते अपने खून वेख्या ते यूसुफ दी सूरत नजर आई ते बिन्यामीन पुछदा पुत्र कौन है फरमाया मैं यूसुफ दा पुत्र हां केड़े यूसुफ दा एक मेरा भी यूसुफ वीर सी तेरे वर्गा सी ते भतीजा कहन लगा मैं उसे यूसुफ दा पुत्र हां भतीजा बिन्यामीन नु यूसुफ अलैहि सलाम को लाया वेख के परादों में मिले रोए पूछा मेरे बाबे दा की हाल है बिन्यामीन ने सारी दास्तान सुनाई आपने फरमाया बहाना बना लिया कि इंज कर मैं तेनों किसी तरीके इत्थे रख लैणा फिर बाबा भी आवेगा उस दौर दा कानून सी जिहड़ा चोरी करदा फड़िया जावे ओ चोरी जिहड़ी करे ओहदा गुलाम बन जांदा ओ जिहड़ा तोलण वाला ते जिहड़े दाणे पाउण वाला बर्तन सी ना ओ जान के हजरत बिन्यामीन दी बोरी च रख दित्ता ए वीर गल्ला लेके टुरे पीछे मिस्र च रौला पै गया कोई शाही बर्तन चोरी करके ला गया यकूब दे यूसुफ अलैहि सलाम दे वीरां दी बोरियां फुलियां गईयां ते बिन्यामीन दी बोरी चो निकल आया यूसुफ अलैहि सलाम ने फरमाया नु छड़ जाओ ते बाकी जाओ उन्हें आख्या अगे यूसुफ लेके आए सन ओ नहीं गया ते हुण बिन्यामीन नु ना लेके गए ते बाप ने ते उंज मार देना बिन्यामीन भी रह गया ते वड्डा भाई भी रह गया यकूब अलैहि सलाम को लाए थे यकूब अलैहि सलाम रोन लग पे गए यूसुफ लेके गए सो भी नहीं आया बिन्यामीन लेके गए वो भी रख आयो खत लिखा यूसुफ अलैहि सलाम नु फिर बाप ने यकूब अलैहि सलाम दा खत पढ़ के यूसुफ अलैहि सलाम बड़ा रोए बड़ा रोए बड़ा रोए आपने फिर उस वेले बिन्यामीन नु भी नाल भेजिया बिन्यामीन अलैहि सलाम जदों बाप नु लेके आए मोनो जवानो बड़ी लंबी गल है अपनी कमीज अपनी भेजी इज़हाबू भी कमीसी हाजा فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا آپ دی قمیض مبارک جدو اکھیاں تے رکھی تے قمیض کیوں بھیجی کوئی ہور چیز کیوں نہیں بھیجی آپ نے فرمایا کہ ویر میری قمیض لے کے گئے سن تے ویکھ ویکھ کے اکھاں بابے دیاں رو رو کے نبینا ہو گئیاں تے اکھاں گئیاں بھی قمیض نال سن آون گیاں بھی قمیض دے نال ہی خود بھی قمیض ہی گئی سی ہن بھی قمیض ہی جاوے گی مڑ قمیض علامہ صاحب بھیجی बाप दी अखियां ते कमीज पुत्र दी रखी गई नौजवानों अखां दा चानण ते नूर आ गया फिर हजरत यकूब अलैहि सलाम जब पुत्रां नूं नाल लेके मिस्र आए ना ते हजरत यूसुफ अलैहि सलाम अपने बादशाह मां वाले करो फर दे नाल बाहर निकल के मिस्र तो अपने बाप दा इस्तकबाल कीता बाप दा इस्तकबाल कीता उस वेले जिहड़े वेले हजरत यूसुफ अलैहि सलाम मिस्र दे बादशाह ने आपने अपने अपे नूं अपने नाल तख्त ते बिठाओ ले आओ अपने वीरां दे सामने अपने चेहरे दा नकाब उठाया ते वेख के फरमान लगे वीरो मैं ओइयां जिन्हूं खूज सटिया जे जिन्हूं थप्पड़ मार दे रहे हो अज वेखो मैं मिस्र दा बादशाह बन गया वा अपनी सौतेली मां नूं भी तख्त ते बिठा लिया वीर भी सामने ने मिस्र दे लोग सामने ने यूसुफ दियां इन्नियां शानां वेखियां मिस्र दे लोग सजदे च पै गए वीरां ने वेखिया साडे वीर सारा जग सजदे करदा है आप दे वीर भी सजदे च पै गए यकूब अले सलाम ते आप दी सौतेली मां तखत उधर के सारे यूसुफ नु सजदे पे करदे ने उस वेले यूसुफ अले सलाम दी अखां च अथरू आ गए अर्ज कीती बाबा रब किड़ियां शाना वाला है जेड़ा ख्वाब बचपन च वेख्या सी अज 40 साल दे बाद पूरा हुंदा पिया वे
बचपन च वेख्या सी एक सूरज ते एक चन्न ते यारां तारे मैनूं सजदा पे कर दे। उह सूरज बाप सी चन्न मां सी ते तारे भाई सन। नौजवानों मिस्र दे बादशाह आखरी गल सुन लो ते इजाजत मैं सुनान लगा। नौजवान हजरत यूसुफ अलैहि सलाम एक दिन जंगल चो काफले लेके गुजरे। आप गुजर रहे थे, आपने देखा एक कखां दी कुल्ली है, उथे कमाई वडेरी चरखा पी कतरी है। आप तलाश करने रे तू गुजरे आप कहन लगी रब किड़िया साना बाला है जेड़े ओदी अतायत करदे ने गुलाम बादशाह बन जांदे ने, जेदे ओदे आखे नहीं लगदे ओ बादशाह जलील हो जांदे ने। यूसुफ अली सलाम नेड़े आए फरमाया माई तू कौन है। अल्लाह ने फरमाया माई नु यूसुफ नाल ले जाओ, एदे नाल जाके निकाह कर। अर्ज की अल माई कौन है। अल्लाह ने फरमाया ए ज़ुलैखा अर्ज की आलाए ते वडेरी होगी मुंह च दंद कोई नहीं, बाल भी चिट्टे हो गए। मैं ते दे वालो तू नहीं वेख्या जदू जवान सी, हुन ते वडेरी हो गई है। अल्लाह फरमाया यूसुफ अलै सलाम असा केड़ियां जवानियां किधरों लैन जाणियां ने। फरमाया यूसुफ तू हां कर, जवानी असा ही देनी। अल्लाह दे नबी यूसुफ ने हां की थी, ज़ुलैखा जवान हो गई, यूसुफ दे ज़ुलैखा दी शादी हो गई। एक दिन यूसुफ अलै सलाम ज़ुलैखा दे नेड़े आउंदे ने, ज़ुलैखा यूसुफ दे नेड़े नहीं आउंदी, उठ के इधर उधर हो जाती है। ज़ुलैखा यूसुफ वल वेखदी नहीं। आपने एक दिन फरमाया ज़ुलैखा मैं तेरा नहीं सा, खजाने लैके मेरे पीछे फिरदी रही है, अज तेरा मैं मेरे वल वेखदी नहीं। ज़ुलैखा ने हाथ जोड़ ले, कह लगी नबी अल्लाह हुन तेरे वल की वेखा, तेरा बनान बाला वेख बैठी, तेरे वल की वेखा। उसने यूसुफ की हो या मिस्र के बाजार की बात, है हकीकत में मोहम्मद के ही रुखसार की बात। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को भी तेरा तालिब दीदार बनाया। अल्लाह ताला मेरी थोड़ी हाजिरी कबूल फरमाए, बानिया ने माफी बरकत अजीम अता फरमाया। आमीन। आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।